अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू होममेड फूड मैनिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी, जो कि बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन कुकीज़ की तैयारी की तरफ बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और इंस्टाग्राम पर कर दीजिए फॉलो। और अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। यहाँ मैंने ले ली है 2 एग वाइट्स, एग वाइट्स को मैं अच्छे से बीट कर लेती हूँ। और बीट करने के बाद इसमें ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे आइसिंग शुगर। शुगर मैंने ऑलमोस्ट 1 कप ली है और इसको कर लेंगे, तब तक बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी और फॉमी फॉर्म में नहीं आ जाता। नाउ यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ दिस बैटर, हमें इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, यानी कि हम वनीला एसेंस को शामिल कर देंगे कुछ कतरे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा, यानी ऑल पर्पस फ्लोर, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 1/2 कप है, यानी 3 से 4 टेबलस्पून। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पर शामिल करूँगी थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग शामिल कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा। हमारा क्रीमी पिंक बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। कुकीज़ का बैटर हो गया है तैयार। यहाँ पर मैंने ग्रीस कर ली है अपनी जो ट्रे, बेकिंग ट्रे है, और हाथ की मदद से मैं इसमें ये शामिल करूँगी। आप लोग चाहें तो पाइपिंग बैग की मदद से इसमें कुकीज़ का जो बैटर है वो प्लेस कर दीजिए। कुकीज़ हमारी रेडी है। मुझे अब इसको बेक करना है पतीले में, तो देख आप देख सकते हैं मैंने पतीले में एक अदद जो है वो स्टैंड रख दिया है और इसके अंदर मैं ये कुकीज़ की ट्रे रख दूँगी। और पतीला हमारा जो है वो प्री हीटेड है 10 मिनट्स। आप लोग चाहें तो इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट के बाद हमारी कुकीज़ जो हैं वो बहुत परफेक्टली बेक हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अमीसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।